लर्न एंड डिस्पर्जन फोर्सेज, हमने डिफरेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, उनके उनके अंदर मौजूद जो डिफरेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनसे हम काफी अच्छे से फेमिलियर हैं. लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम जो है उसकी लिक्विफेक्शन के बारे में हम जानते हैं. बट इफ वी से दैट देयर इज अ नॉन पोलर गैस, और उसमें क्या कौन सी फोर्सेस हैं जो ऑपरेट करती हैं, जो कि फोर्स करती हैं डिफरेंट हीलियम मॉलिक्यूल्स को कि वो जब कॉम्प्रेस्ड स्टेट में होते हैं तो वो क्लिंग कर जाते हैं एक दूसरे को और गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जर्मन साइंटिस्ट था फ्रिट्स लंडन. इन 1930 ही ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना कि हीलियम की अगर लिक्विफेक्शन हो रही है वो कौन सी फोर्सेज हैं जो कि फोर्स कर रही हैं हीलियम के मॉलिक्यूल्स को टू क्लिंग टुगेदर अंडर द कॉम्प्रेस्ड कंडीशंस, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर. ही गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज अकर बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेज. मोनोटॉमिक एटम्स जिसमें नोबल गैसेज आ जाती हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हीलियम जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और सर्टन नॉन पोलर कंपाउंड जिसमें मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है. ऑल दीज कंपाउंड, ऑल दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स वी हैव डिस्कस्ड आर करेक्टराइज बाय सिमेट्रिक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम और मॉलिक्यूल. ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हमने डिस्कस किए जिसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज प्रेजेंट होती है, दीज आर बीइंग करेक्टराइज बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द सिमेट्रिक शेयरिंग? यूजुअली द कॉन्सेप्ट इज दैट देर इज अ न्यूक्लियस विच होल्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन बींग नेगेटिवली चार्ज सराउंड दैट न्यूक्लियस. देर इज अ सिमेट्री बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. देर आर नो एंड नो पार्शियल पॉजिटिव, नो जो नेगेटिव एंड इन अ स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड. बट इन अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्टर्ब, देयर इज द सिमेट्री इज नो मोर. सो यहां पर हमारे पास एक एनिमेशन है जिसमें दो नियॉन एटम्स को दिखाया गया. नियॉन इज अ नोबल गैस, ठीक है. नोबल गैसेस जो हैं हम उनको कहते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन रिएक्टिव होती हैं, वेरी मच स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं. और नियॉन जो है, व्हेन दीज एटम्स मूव क्लोजर टू ईच अदर, अंदर कॉम्प्रेस स्टेट में बात करेंगे, हायर प्रेशर में, जब ये एटम्स एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो द चार्जेस, द इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटीज हैं वो इफेक्ट करती हैं एक दूसरे को इस तरीके से दैट देर इज एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल. वन नियॉन एटम व्हेन पासेस क्लोजली टू अनदर नियॉन एटम, तो वो जो दो नियॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सो एक सबसे पहले क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस, एक मोमेंट्री तौर पर एक डायपोल क्रिएट हो जाता है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नियॉन. नियॉन एक नोबल गैस है, उसकी सिमेट्रिक शेयरिंग थी, बट दिस सिमेट्री इज नो मोर. एक डिसिमेट्री, जो डिसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो डिस्टर्ब हो गया है. जो चार्जेस हैं वो अब एक जैसे नहीं रहे, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. दो, दिस इज वेरी मोमेंट्री, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहा जाता है. अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है बिफोर कि ये डिमिनिश हो जाए अंडर, हम हाई प्रेशर एरिया की बात कर रहे हैं, ये गैस जो है हाई प्रेशर में रखी गई है अगर, तो देर इज अ चांस बिफोर दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल डिमिनिशेस ये एक एनकाउंटर करे एक न्यू, एक और इलेक्ट्रो एनदर जो है न्यूऑन एटम को, विच इज सो फार सिमेट्रिक, ठीक है. बट दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल विच वॉज बींग क्रिएटेड बाय द एनकाउंटर ऑफ टू न्यूऑन न्यूऑन एटम्स इज नाउ ट्राइंग टू इंड्यूस द डायपोल इन टू अनदर न्यूऑन एटम. So there was an instantaneous dipole, and now we have an induced dipole, instantaneous and induced dipole. So we can explain, or we can provide the definition to this London dispersion forces as the momentary forces of the attraction created between instantaneous dipole and induced dipole is called dipole induced dipole forces or London dispersion forces. And these forces, though these are present in the polar molecules as well, but London dispersion forces are very much valuable while considering the non-polar molecules because they are operative in the non-polar molecules and compounds as well.